जय हिंद। पिछले वीडियो में हमने सौरमंडल और सौरमंडल के ग्रह बुध, पृथ्वी और शुक्र के बारे में जान चुके हैं। इस वीडियो में हम बाकी बचे ग्रह, मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। इसके लाल होने का जो कारण है वो है आयरन ऑक्साइड। मंगल ग्रह जो है वो अपने अक्ष पर 25 डिग्री झुका हुआ है, और मंगल ग्रह जो है वो अपने धुरी पर एक चक्कर 24 घंटा में पूरा करता है। पृथ्वी के जैसा वहाँ भी ऋतु परिवर्तन होता है। मंगल ग्रह सूर्य का एक चक्कर जो है वो 687 दिन में पूरा करता है। इसके दो उपग्रह है, फोबोस और डिमोस। देखिए, सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ज्वालामुखी है जिसका नाम है ओलिपस मेसी, और सबसे ऊंचा जो पर्वत है जिसका नाम है निक्स ओलंपिया, जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊँचा है, यह मंगल ग्रह पर ही स्थित है। अब जानते हैं बृहस्पति के बारे में, यानी जुपिटर के बारे में। बृहस्पति जो है वो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है आकार की दृष्टि से, और यह अपने धुरी पर जो है एक चक्कर पूरा 10 घंटे में करते हैं, और इसको सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में 12 वर्ष लगते हैं। बृहस्पति के 79 उपग्रह है, और इसका सबसे बड़ा उपग्रह ज्ञानीमीड है जो पीले रंग का दिखाई देता है, और यह सभी उपग्रहों में सबसे बड़ा उपग्रह है। अब जानते हैं शनि ग्रह के बारे में, यानी सैटर्न के बारे में। शनि ग्रह जो है वो आकार की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, यानी कि पहला तो बृहस्पति हो गया यानी जुपिटर, और दूसरा दूसरे नंबर पर आता है शनि। इसके चारों तरफ जो होते हैं वलय होते हैं, यानी कि झिल्ली टाइप का, जैसे विष्णु जी के देखते हैं उंगली में चक्र रहता है, उस टाइप के शनि ग्रह के चारों ओर रहते हैं। शनि ग्रह जो है आकाश में पीले रंग के तारे के रूप में दिखाई पड़ते हैं रात को। शनि ग्रह का घनत्व इतना कम होता है कि जब आप उसको पानी पर रखिएगा तो पानी में तैरने लगेगा। शनि ग्रह के 62 उपग्रह है, और सबसे बड़ा उपग्रह जो है इसका टाइटन है, जिसकी खोज किया था 1665 इसमें डेनमार्क के खगोलशास्त्री क्रिश्चियन हाइजोन ने किया था टाइटन की खोज। टाइटन जो है वो दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, यानी कि टाइटन जो है वो दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। पहला सबसे बड़ा उपग्रह तो हो गया ज्ञानीमीड जो बृहस्पति का उपग्रह है, दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन जो शनि का उपग्रह है। यह आकार में बुध ग्रह के समान है। अब जानते हैं अरुण के बारे में, यानी यूरेनस के बारे में। अरुण जो है वो आकार की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है, यानी कि पहला बृहस्पति, दूसरा शनि, तीसरा अरुण, और इसका जो तापमान है वो -215 डिग्री सेल्सियस है। अरुण ग्रह की खोज 1781 ईस्वी में विलियम हर्सेल ने किया था। देखिए, अरुण ग्रह जो है वो सभी ग्रह से उल्टा काम करता है। अरुण ग्रह जो है पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है, और इसके अलावा जितने ग्रह है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं, और ये जो है वो पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। अरुण ग्रह पर जो सूर्योदय होता है वो पश्चिम दिशा की ओर होता है, और सूर्यास्त होता है वो पूरब दिशा की ओर होता है। अरुण ग्रह अपनी धुरी पर सूर्य की ओर इतना लेटा हुआ है कि उसको लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। याद रखिएगा, लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं, तो अरुण को। अरुण ग्रह के 27 उपग्रह है, और इसका सबसे बड़ा जो उपग्रह है वो टाइटेनिया है। अब हम जानते हैं वरुण ग्रह के बारे में। देखिए, इसकी खोज जो 1846 में जर्मन के खगोलशास्त्री जोहान गाले ने किया था, वरुण ग्रह की खोज। वरुण ग्रह जो है वो सूरज से बहुत दूर स्थित है, और इसलिए यह सबसे ठंडा ग्रह है। सबसे ठंडा ग्रह वरुण है, और यह हरे रंग का ग्रह है। यह हरे रंग का दिखाई देता है वरुण ग्रह। इसके चारों ओर जो है मीथेन का बादल छाया हुआ है। वरुण ग्रह के 13 उपग्रह है, और इसके सबसे बड़ा जो प्रमुख उपग्रह है वो ट्राइटन है। आई होप कि आप सभी ग्रहों के बारे में अच्छे से जाने होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।